कोई भी नया बिज़नेस शुरू करने से पहले और लीक से हटकर अगर मैं बोलूं बिज़नेस शुरू करने से पहले बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, और ऐसा ही एक लीक से हटकर बिज़नेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग। वैसे तो फार्मिंग शब्द हमारे भारत का कह सकते हैं कि एक गर्व है, हम कहते हैं ना जय जवान जय किसान, तो उसी तरह हमारा फार्मिंग तो हमारा भारत का कह सकते हैं कि एक पहचान है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग उससे थोड़ी सी अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ी सी अलग है। तो आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में ही बताएंगे और बताएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए आप कैसे अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो के जरिए अंत तक बने रहिएगा, लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि किस तरह के वीडियोज़ आपको और देखने हैं बिजनेस को लेकर। और अगर आपके पास भी कोई आइडिया तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम उस आइडिया पर अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अच्छी तरह से रिसर्च करना है ज़रूरी। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको सबसे पहले अच्छी तरह से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। इसे आप जल्दबाजी में शुरू नहीं कर सकते। ऐसे में हो सके तो पहले से मौजूद बिजनेस के बारे में अच्छे से पढ़ें और कुछ जानकार लोगों से इसके बारे में सलाह लें। साथ ही आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं या किसानों के साथ भी किसी न किसी तरह की मीटिंग रख सकते हैं। इंटरनेट भी इस समय आपका अच्छा साथी बन सकता है। आप इसके बारे में अच्छी तरह से वीडियो या ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। आप इससे जुड़ा कोई कोर्स भी कर सकते हैं ताकि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बुनियादी बात पहले से पता रहे। हालांकि बिजनेस लगभग सभी के लिए नया है, पर फिर भी इससे जुड़े हुए लोग आपको सलाह ज़रूर दे सकते हैं। इसलिए मार्केट और बिजनेस के बारे में पूरी तरह जानकारी के बाद ही इस बिजनेस में कदम रखें। अच्छी जगह है सफलता की कुंजी। बाकी किसी बिजनेस में भले ही आप एक बार लोकेशन को लेकर समझौता कर सकते हैं, पर यहाँ आपकी सफलता का रास्ता आपकी जगह ही तय करेगी। ऐसी जगह पर खेत के जहाँ आसानी से आपको साफ पानी मिल सके, किसी भी फसल के लिए पानी का बहुत महत्व है। इसलिए जरूरी है कि पानी के लिए आपको अलग से कोई खर्च ना करना पड़े और ना ही इस पर अलग से लागत आए। लोकेशन को लेकर दूसरी अहम बात यह है कि ऐसी जगह का चुनाव करने की कोशिश करें जिससे मार्केट प्लेस पास में ही हो। हालांकि ऐसा मिलना जरा सा मुश्किल है, पर जगह लेते समय ये बात ध्यान में रखें कि आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। जमीन के बारे में ले जानकारी। फार्मिंग के बिजनेस में जमीन की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। कौन सी जमीन किस तरह की फसल के अनुकूल है ये जान लें। इसी तरह आपको इस बिजनेस में ये जरूर जान लेना होगा कि ली गई जमीन पर आप कौन सी फसल कम लागत पर उगा सकते हैं। इसके लिए आप एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं जो जमीन और मिट्टी के आधार पर आपको सलाह दे सकता है। सही जगह पर सही फसल उगाने पर ही आपका फायदा होगा। कई बार पूरी तरह से जमीन की जानकारी ना होने के कारण जमीन अच्छी होते हुए भी आप मुनाफा नहीं कमा सकते। मार्केट की जानकारी रखें। फसल उगाने के साथ साथ एक और बात जिसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है वो कि आसपास की मार्केट की जानकारी हो। हमेशा उस मार्केट का चुनाव करें जो आपके उत्पाद के लिए अच्छे दाम दे रही हो। कई बार हो सकता है कि किसी मार्केट में आपको सही कीमत ना मिले, इसलिए मार्केट पर रिसर्च पहले ही करें ताकि बाद में उस पर समय खराब ना करना पड़े। इसके अलावा लोगों से भी संपर्क में रहें ताकि वो आपके बिजनेस के बारे में दूसरों को बता सकें। देखभाल के लिए रखें अच्छा स्टाफ। किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए एक और चीज जो अहम है वो है आपके साथ काम करने वाले लोग। हमेशा ऐसे लोगों को काम पर रखें जो कॉन्सेप्ट को लेकर उत्साहित हों, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानकारी रखते हों, इसलिए कर्मचारी हायर रखने में जल्दबाजी ना करें। फसल का रखें अच्छे से ध्यान। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको फसल का ध्यान ज्यादा रखने की जरूरत है। इसमें आपको अलग अलग फसल के लिए अलग अलग तरीके से देखभाल करने की जरूरत है। फसल में पानी या अच्छी खाद आदि डालें तभी जाकर आपको अपनी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। लोगों के साथ संपर्क बनाए रखें। इस बिजनेस में लोगों के साथ बात करना बेहद जरूरी है। जितना आप बात करेंगे उतनी ही आपको अपने बिजनेस और मार्केट के बारे में पता होगा। इसके अलावा कोशिश करें कि आप अपने पास कोई ना कोई सलाहकार जरूर रखें। हालांकि जमाना इंटरनेट का है, पर फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा मेंटोर है जो अपने अनुभव में आपको चीजें बता पाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं। धैर्य रखना जरूरी। कुछ लोग जैसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं, उन्हें लगता है कि वो फल और सब्जियां बेचकर रातों रात अमीर हो जाएंगे। ऐसा ख्याल आना गलत नहीं है, पर आपको वास्तविकता में रहना बहुत जरूरी है। ये ऐसा बिजनेस है जो समय और धन मांगता है। किसी भी तरह का फार्मिंग जरा सा धीरे चलने वाला बिजनेस है और इसमें आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। यहाँ आप पूरी तरह से अपने स्टाफ पर जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकते।
जब तक आप पूरी तरह से ध्यान नहीं देंगे सफल होना मुश्किल है। साथ ही किसी भी बिजनेस की तरह यहाँ भी कुंजी है धैर्य बनाए रखना। एक बार सही तरह से शुरुआत करने पर आपको मुनाफा जरूर मिलेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप जल्द से जल्द अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो देर ना करें और जल्द से प्लानिंग कर फार्मिंग बिजनेस शुरू करें। तो देखा दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी आप अपना एक नया बिजनेस अपना सकते हैं और स्टार्टअप दे सकते हैं। इसके अलावा आपसे यही दरख्वास्त है कि हमारे वीडियोस को पसंद करते रहिए, क्योंकि हम लगातार ढेर सारे नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। नमस्कार। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।